तो फिर आओ मेरे नाल। बनाते हुए जा रहे हैं जी आगे, और अभी आगे चल के आपको इसका वो दिखाते हैं, डाइनिंग हॉल बना रहा हूँ कुछ। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये है इसका एसी सेलिब्रिटी है, और ये पहले भी दिखाया था कराची से। 8,500 दोस्त क्या नहीं चल रहे हो, चल रहे हो खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बाबर, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं ईट एंड डिस्कवर। आज मैं दोबारा कैंट स्टेशन पे आया हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैं बेसिकली आया था बुलान एक्सप्रेस का पता करने के लिए, जो कराची से क्वेटा जाती है। लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा, यहाँ से 2 से 3 ट्रेन कराची से लाहौर और पिंडी जा रही हैं, यहाँ से ग्रीन लेन भी जा रही है एक, और सर सैयद भी जा रही है, और एक और भी है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम जितना टाइम यहाँ पे दे सकूँ, मैं उन दोनों तीनों ट्रेन्स का व्लॉग बनाऊँगा, लेकिन सारी एक ही वीडियो में नहीं आएगा। ऑब्वियसली अलग अलग वीडियो बनाऊँगा उसके लिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी, उसमें थोड़ी सी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो थोड़ी सी गलत मिल गई थी, तो मैं उसको करेक्ट करने के लिए और बाकी की जो डिटेल वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर आज दोबारा आया हूँ। तो ये वीडियो देखिएगा इंशाल्लाह, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नए नए आपको कैमरा शॉट्स भी नज़र आएंगे, और लोगों का रिव्यू भी लेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो चल के ट्रेन का रिव्यू लेते हैं, ट्रेन आपको दिखाते हैं, और कराची का कैंट स्टेशन दिखाते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। दोस्तों ये इकोनॉमी क्लास है, और यहाँ से ये सर सैयद जो है ये चल के वाया फैसलाबाद पिंडी जा रही है। ये भाई हमारे साथ हैं, सर बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि कितने की टिकट आपने बाय की है और क्यों ये ट्रेन सेलेक्ट की है। हमने इसलिए ट्रेन सेलेक्ट की है कि जिसके अंदर फैमिली इजीली बैठ जाए, और 2050 की है जिसके अंदर सुबह ब्रेकफास्ट है, और इंशाल्लाह सुबह इकोनॉमी के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर और दोपहर को लंच भी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये दे रहे हैं जी? दे आपने पहले सफर किया? जी पहले सफर किया। अच्छा, और जो डाइनिंग हॉल में जाना जो है सबको अलाउ है? वो सबको अलाउ है, उसके अंदर 20 मिनट्स का टाइम होता है, जिसमें ब्रेकफास्ट करें या टी पी उसके 20 मिनट्स के बाद आपको उठना होता है। जी बिल्कुल ऐसे। तो आप पिंडी के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन को इसी को रिकमेंड करते हैं? इसको फैमिली के लिए, इकोनॉमी के लिहाज से मुनासिब भी है। अच्छा, 9 बजे यहाँ से चलेगी कराची से, और वहाँ का पहुँचेगी वहाँ इंशाल्लाह 8:30-9 बजे का टाइम है इसका। 8:30-9 बजे का रात, रात कल रात, कल रात। अच्छा, मतलब तकरीबन 23-24 घंटे ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं, ले ले। लेकिन ये कि सफ़र आरामदेह बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर। तो भाई ये था इसका एग्जैक्ट रिव्यू इकॉनमी का। अब हम जाएंगे दूसरे डब्बे में, आपको और इसका बाकी की डिटेल भी दिखाते हैं। हाँ बोरे बोरे अच्छा जी, ये इसका डाइनिंग हॉल है जहाँ पे आप जाते हैं पिंडी, तो तकरीबन एक बंदा यहाँ पे 20 मिनट के लिए अलाउ होता है, अगर आप फैमिली के साथ ही बैठते हैं या सिंगली बैठते हैं तो 20 मिनट तक आप यहाँ बैठ सकते हैं। 20 मिनट के बाद फिर ये कि क्योंकि ट्रेन क्योंकि काफ़ी रश में होती है, काफ़ी लोग होते हैं, तो सबको बैठने का चांस, क्योंकि एक ही डब्बा है ये, मैं जल्दी जल्दी से बोलूँ क्योंकि ट्रेन 9 बजे निकल जाएगी, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, कढ़ाई कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चल के आप बाकी डब्बे देखते हैं। थैंक यू। दोस्तों ये इसका एक बिज़नेस क्लास डिपार्टमेंट है, बिजनेस क्लास है सर या लोअर एसी कहते हैं इसको? बिजनेस क्लास कहते हैं। बिजनेस क्लास है। कितने का टिकट लिया आपने पिंडी तक का? 6,300। अच्छा, तो ये पहले भी चूज़ की है ट्रेन आपने या फर्स्ट टाइम? पहले भी है। तो ये ट्रेन चूज़ करने की क्या वजह है? सहूलतें हैं, कंबल है, सराहना है, साफ सुथरी है, नाश्ता देते हैं और साफ सुथरी। अच्छा, नाश्ता भी देते हैं और खाना भी देते हैं ऐसे ही? नाश्ता भी देते हैं, जैसे कल सुबह आपको नाश्ता मिलेगा और दोपहर का खाना ही मिलेगा, और शाम को फिर ये चाय भी देते हैं। चाय भी देते हैं। अच्छा, साथ कोई ऐसा तो नहीं है कभी मिस कर गए हो, नहीं दिया हो, नहीं छोड़ो यार? 2-3 दफा आए हमें तो दिया है। अच्छा, देते हैं हर दफा देते हैं। तो आप लोग सबसे बड़ी सहूलत के कैफेटेरिया कैफेटेरिया, तो वहाँ कितनी देर बैठ सकते हैं आप लोग?
खाएं और घंटों लोगों ने भी बैठना पिंडी के लिए आप क्या समझते हैं ये बेस्ट ट्रेन है? ये मैं तो समझता हूँ की बहुत अच्छी है, इसीलिए हम इसमें। अच्छा तो आरामदेह है, सहूलत है, 6300 ये वाया फैसलाबाद जाएगी जी। फैसलाबाद। अच्छा, फैसलाबाद के बाद बीच में कहाँ स्टॉप करती है नॉर्मली, कुछ आइडिया है? मेरे ख्याल 8 स्टॉप। अच्छा, टोटल 8 स्टॉप है। तो कल कब तक पहुँचेंगे आप लोग? 7:40। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अच्छा दोस्तों, ये जो बताया पिंडी तक का 6300 रुपये है और 9 बजे यहाँ चलेगी, और कल रात को 7:30-8 बजे और लेट होगी तो 9 बजे से पहले पहले पिंडी पहुँच जाएगी। बिजनेस क्लास या लोअर एसी कह लें इसको, ये इसकी बर्थ आप देख सकते हैं, एक सेंटर में एक यहाँ है, आप आराम से बैठ सकते हैं, साफ़ सुथरा है। नाश्ता भी सुबह का देते हैं, दोपहर का खाना भी देते हैं आपको, और शाम की चाय भी देते हैं। जो लोगों ने जिन्होंने सफ़र किया है ये बात उन्होंने मुझे बताई है कि ये दी बेस्ट ट्रेन है पिंडी ट्रैवल करने के लिए। तो अभी आपको इसका जो स्लीपर एरिया है वो चल के दिखाते हैं, वो लास्ट है, और फिर आपको ट्रेन का ओवरऑल एक व्यू दिखाएंगे और बस एंड करेंगे। थैंक यू। देख सकते हैं इसका वॉशरूम वगैरह भी सारे साफ सुथरे, टिशू भी यहाँ पर रखा गया है, शीशा वीशा लगा। दोस्तों ये है इसका एसी स्लीपर, ठीक है जी, एक एक बर्थ ये है ऊपर, यहाँ पे ठीक नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पर ये देखें जी, ये इसकी एक बर्थ है, फंस जा भाई, चलो चलो फंस जाना, बाद में छोड़ो यार इसको भी, वापस रखो। अच्छा एक बर्थ ये है और एक ये है इसका सोफा टाइप टाइप का जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। 8,550 रुपये इसका फेयर है पिंडी तक का, और वही टाइम में दोबारा आता है तो 9 बजे चलती है कराची से और 7:30-8 बजे पिंडी पहुंचती है रात को, ठीक है जी। एक टाइम सुबह खाना, एक टाइम दोपहर का खाना और शाम की चाय, और इसके साथ आपको जो अलग जो चीज़ वो ये है कि आपको साथ इसके वॉशरूम। तो मेरा भी प्लान ये है कि अब मैं जब भी पिंडी जाऊं अकेला या दोस्तों के साथ या जो भी मेरा प्लान होता है, इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए फुल प्राइवेसी इसके अंदर, ये आप बंद कर दीजिए, यहाँ पे एक लैपटॉप रख लीजिए, ठीक है जी। तो मुझे तो दिखाओ यार, फिर लोग बोलते हैं डांटता है कैमरामैन को, डांटता नहीं हूँ भाई, ये मेरा छोटा भाई, वो डांटता नहीं हूँ मैं, और ओहो गलत हो गया। अच्छा अच्छा, तो सीन ऐसा है कि LCD तो फिलहाल इसमें नहीं लगी हुई, जगह दी हुई लेकिन पता नहीं क्यों हटा ली गई है। तो आप अपना लैपटॉप साथ ले आएँ, अपना पावर बैंक साथ रखें, चार्जिंग स्लॉट मुझे नज़र इसमें नहीं आ रही, ठीक है जी, चार्जिंग स्लॉट मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही, मैं फिर भी किसी से पूछता हूँ मैं तो। लेकिन ओवरऑल जो है ना भाई, बहुत बेहतरीन ट्रेन है, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस पर आप लोग जाएँ और अपना सफ़र इन्जॉय करें, क्योंकि ट्रेन जो इतना लंबा ट्रैवल है, मेरे ख्याल में ये ट्रेन से अच्छा और इस तरह की ट्रेन से अच्छा जो सफ़र है ना, वो मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ट्रेन, तो आप लोग इस पर ट्रैवल करें, और हम फैज़ान भाई का रिव्यू भी लेते हैं अभी, उनको इस ट्रेन को देख के उनका दिल क्या कहता है, ठीक है नहीं? वो फैज़ान भाई होते हैं पीछे जिनको मैं डांटता हूँ ना अक्सर, वो फैज़ान भाई होते हैं पीछे, उनको डांट पड़ी होती है। तो ये था भाई ट्रेन, तो मैं बाहर से भी आपको ट्रेन का एक व्यू दिखाता हूँ, और जो इस जो साथ की स्लीपर में कोई बंदा जा रहा है और वो इंटरव्यू देना चाहता है तो उससे भी हम कोई रिव्यू लेके आपको देते हैं। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वेरी फर्स्ट टाइम इस पे ट्रैवल कर रहे हैं? यार मैं देखो सर सैद पे मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा, मैं सेकंड या थर्ड टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन स्लीपर का जो था स्लीपर का एक कॉन्सेप्ट जो था वो पता नहीं था कि स्लीपर जो है स्लीपर का डब्बा सर सैद में अटैच होता है। अच्छा तो ये तो यही यूट्यूब देख के और वीलॉग्स वगैरह देख के, आप जैसे भाइयों के जो आप लोग बनाते हो उसको देख कर इन्फॉर्मेशन मिली, उसके बाद जो है क्योंकि मैं लास्ट ईयर अपनी मदर के साथ आया था लेकिन मैंने स्लीपर मुझे मिला नहीं था, कुछ अब पता भी नहीं था, तो स्लीपर मैंने करा नहीं था, इसलिए दिस ईयर मैं अपने भाई के साथ आया हूँ, तो यही व्लॉग वगैरह देखकर मैंने जो है वो स्लीपर ऑनलाइन बुक करवाया है। और स्लीपर की आप सिचुएशन देख रहे हैं, यही दो ही वाला स्लीपर और चार वाला भी है, इसमें चार वाला भी है, सिक्स वाला भी है, लेकिन जो लास्ट बिल्कुल कोच लगती है वो दो की लगती है स्लीपर की। अच्छा तो आप ये देख रहे हैं कि स्लीपर का तो कितना कितना फेयर दिया जगह, इसका फेयर 8550 है, सही है, और वो पिंडी तक है, और ऑनलाइन आप बुक करवा सकते हैं parkrailway.pk, ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सही है सर्विस, बेहतरीन सर्विस, बिल्कुल सही है सर्विस, और इसके जो है वो
एप्लीकेशन के थ्रू आप करवा लें या आप वेबसाइट के थ्रू करवा लें। आपने जब ऑनलाइन बुक कराया ठीक है, इसका ऑनलाइन मिल जाता है, ये प्रिंट आउट आप करवा लीजिए, वहीं जनरेट हो जाता है और इसका प्रिंट आउट आप करवा लें। मतलब आपके मोबाइल में ये आ जाएगा, मोबाइल में आ जाएगा, तो फिर आप जाके कहीं से भी प्रिंट आउट कर, तो आप जब कोई देखने के लिए आएगा तो उसको आप ये शो करेंगे, ये शो कर देंगे। तो पेमेंट आपने कैसे कैसे, पेमेंट ऑनलाइन आप क्रेडिट कार्ड से कर दें, डेबिट कार्ड से कर दें, एटीएम कार्ड से कर दें, या जिससे भी कर दें, जैज, इजी पैसा, यूबीएल, ओमनी या अमेज़न बैंक, जो भी है। तो इसमें जब पहले गए थे तो आपको खाना फ्री मिला था, और खाना फ्री है यार एक टाइम का, और नाश्ता फ्री एक टाइम का। अच्छा, लेकिन ये जो दो का स्लीपर वाला जो एक्सपीरियंस है ये फर्स्ट टाइम का है। ये आपको बेहतरीन मजा आ रहा है, आप देख रहे हैं वॉशरूम अंदर है, वॉशरूम साथ है, सोफा सीट्स लगी हुई हैं, बर्थ इसकी बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ग्रीन लाइन जो है, ग्रीन लाइन का मैं आपको बताऊँ, ग्रीन लाइन का बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रीन लाइन की बहुत नैरो बर्थ है, बहुत नैरो सीट्स हैं, इसमें आप चार लोग भी बैठ सकते हैं दो के स्लीपर में, लेकिन ये ग्रीन लाइन का ऐसा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों सर सैयद यहाँ से चले गई है पिंडी के लिए वाया फैसलाबाद, ठीक है भाई, फिर नहीं बोलना है लाहौर बोलता है, लाहौर बोलता है, फैसलाबाद से गई होते हुए, ठीक है। तो ये था इसका सर सैयद का ब्लॉग, और ये भाई यहाँ पे हमारे साथ देखे, बड़े अच्छे भाई लग रहे हैं, कह रहे हैं मैं बहुत काम करता हूँ, आपने मुझे तो लिया ही नहीं। तो भाई बताइए कि आप लोग यहाँ पे टाइमिंग क्या होती है, ये जो सारा स्टॉल वगैरह सजाया हुआ है, 24 घंटे 14 घंटे होते हैं और बाकी टाइम बंद। बंद। अच्छा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आप साथ लेके जाना चाह रहे हैं, पानी वानी ये वो जूस सब जी। तो रेट वही होते हैं, थोड़े वही होते हैं रेट, वही होते हैं। अच्छा अच्छा, भाई कह रहे हैं वही होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। तो ये था भाई आपका सर सैयद के कम्प्लीट डिटेल, होपफुली आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर हुई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।